नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसी महीने के 24 तारीख को बेंजामिन नेतन्याहू यूएस के कांग्रेस को एड्रेस करते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि यूएसए और इसराइल दोनों को मिलके एक नेटो के जैसा मिलिट्री ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है, ताकि ईरान से जो खतरा है यूएसए और इसराइल को उससे निपटा जाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब नेतन्याहू खुले मन से ये कहे हैं कि आज के डेट में इसराइल को सबसे अधिक खतरा ईरान से है। इसी बीच जब नेतन्याहू यूएस पहुंचते हैं और यूएस कांग्रेस को जब वो एड्रेस कर रहे होते हैं, तो उसी बीच इनके खिलाफ काफी मैसिव प्रोटेस्ट भी हो रहा होता है यूएस में। यहाँ पे एक बेसिक सवाल दिमाग में आ सकता है कि आखिर में यूएस कांग्रेस का मतलब होता क्या है, और नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो कैसे यूएस के कांग्रेस को एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में यूएस कांग्रेस का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि भारत के पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, सबसे पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तो वैसे ही यूएस के पार्लियामेंट में भी दो हाउसेस हैं। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वहां का लोकसभा, और दूसरा है सेनेट यानी कि वहां का राज्यसभा। तो जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के लोग इकट्ठा बैठते हैं, तो वो हो जाता है कांग्रेस। ये कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि भारत में जब हम किसी स्पेशल ओकेजन में हमारे राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स आके बैठते हैं सेंट्रल हाउस में, तो उसी तरीके से जब यूएस में बैठते हैं तो वो हो जाता है कांग्रेस। जहां पे अगर बात किया जाए सेनेट के बारे में, तो यहां पे टोटल है 100 मेंबर्स, और बात किया जाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, तो यहां है 435 मेंबर्स, टोटल हो जाते हैं 535 मेंबर्स। और साथ में अगर हम बात करें यूएस के सेनेट के बारे में, तो यहां के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, तो पॉसिबली हर तरीके से वो पावरफुल होते हैं। और सेनेट के बारे में साथ में ये भी कहा जाता है कि वहां पे ज्यूइश लॉबी काफी स्ट्रांग है। हालांकि ज्यूइश लॉबी यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी काफी स्ट्रांग है। और साथ में अगर बात किया जाए ज्यूइश कम्युनिटी के बारे में, तो इनके पास पैसे खूब सारे हैं, और साथ में आज का जो शिपिंग इंडस्ट्री है इसमें भी इनका डोमिनेंस काफी ज्यादा है। और साथ में अगर बात किया जाए यूएस के हॉलीवुड के बारे में, तो वहां पे भी जो मूवी प्रोड्यूसिंग कंपनीज होते हैं वहां पे भी इनका डोमिनेंस काफी है। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो भी नाजी जर्मनी के द्वारा एट्रोसिटीज किए गए थे ज्यूइश के ऊपर, उसके बारे में खूब सारे मूवीज बने हैं। हालांकि अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ ज्यूइश के ऊपर ही एट्रोसिटीज नहीं हुए हैं, बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे रिलीजन या एथनिक ग्रुप के लोग हैं जिनके ऊपर एट्रोसिटीज अलग अलग टाइम पीरियड में किए गए हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए स्पेसिफिकली बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, तो मैंने पर्सनली इनके मुंह से कभी भी शांति की बात मैंने नहीं सुना है, और पर्सनली इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी हैं, और इनका जो पॉपुलैरिटी है बीते कुछ सालों में इसराइल में काफी घटा है। लेकिन जिस तरीके से यूएस अपने कांग्रेस में इनको बुलाता है स्पीच देने के लिए, और वहां पे इनका बढ़ चढ़कर इनका स्वागत भी किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ये कहते हुए आए हैं कि जिस तरीके से गजा में बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है वो कंप्लीट तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और वो किसी भी ग्रेवयार्ड से कम नहीं है। वहीं पे नेतन्याहू यूएस के कांग्रेस से कहते हैं कि यूएसए और इसराइल दोनों को मिलके एक अब्राहम अलायंस क्रिएट करना चाहिए, ताकि वो ईरान के द्वारा जो खतरा है उससे निपटें। अब यहां पे जो हमें चीज समझनी है वो ये है कि जितना खतरा आज के डेट में इसराइल को लगता है ईरान से, कुछ उसी तरीके से जो खतरा है वो भी ईरान को लगता है इसराइल या यूएस से। और खास करके जब हम बात करें जियोपॉलिटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता है। जो देश जितना मजबूत होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि पूरे दुनिया में उनका वर्चस्व कायम रहे। और जहां तक बात किया जाए यूएस के बारे में, तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्रिएट करने के पीछे यूएस का कहले की बहुत बड़ा रोल है, और साथ में उसको बैकिंग मिलता है इसराइल का। वहीं पे अगर हम बात करें नेटो और यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो नेटो का फॉर्मेशन होता है 1949 में, और यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है 1945 में। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो काफी पॉजिटिव था, जहां पे एटलीस्ट वहां पे अटेम्प्ट किया गया था कि पूरे दुनिया को साथ लेके चला जाए। लेकिन नेटो का जो फॉर्मेशन होता है ये खास करके यूएसएसआर से जो खतरा था उसको काउंटर करने के लिए किया जाता है। और साथ में अगर बात किया जाए तो यूएस कांग्रेस में उसी देश के लीडर्स को बुलाया जाता है जिनके संबंध यूएसए के साथ काफी अच्छे होते हैं। तो अगर नेतन्याहू को इस वक्त बुलाया गया है यूएस कांग्रेस में, और वहां से जब वो स्पीच दे रहे हैं, तो यहां से भी हमें समझ जाना चाहिए कि ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में यूएस सपोर्ट करेगा इसराइल को, और साथ में इसराइल अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी में अगर बात किया जाए तो 1 अप्रैल को डमास्कस सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसमें लगभग 15 लोग मारे जाते हैं, जिसके बारे में शुरुआत के कुछ दिनों में
में इसराइल ये मानने को तैयार नहीं था कि उस अटैक के पीछे इसराइल का हाथ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे मानना पड़ा। तो यहाँ पे एक चीज जो एज एन इंडियन हमें समझनी है वो ये है कि कोई भी देश इतना जरूरत नहीं करता है कि वो किसी भी देश के जो कौंसुलेट है या एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक करे। एज अ रिजल्ट ये होता है कि 14 अप्रैल को ईरान भी रिटेलिएट करता है इसराइल के ऊपर, लेकिन जितने भी जो मिसाइल्स दागे जाते हैं ईरान के द्वारा उन सभी को डिफ्यूज कर दिया जाता है, क्योंकि ईरान कब अटैक करता और कितना बजे अटैक करता है इसके बारे में ऑलमोस्ट इसराइल को पहले ही मालूम पड़ गया था। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ इसराइल ही है जिसको इस हद तक लिबर्टी दिया गया है यूएस के द्वारा कि आप कॉन्सुलेट पे भी अटैक कर दे, वहां के लीडर्स या वहां के जो पॉलिटिशियंस है उसको मार दें और आपको कुछ होगा भी नहीं, और एग्जैक्टली कुछ हुआ भी नहीं इसराइल को। चाहे बात कर ले हम जो बाइडेन का या डोनाल्ड ट्रंप का, ऑलमोस्ट लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं। इसी में साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया जाता है इसराइल यूएई और बारेन के बीच में, जहां पे यूएसए मीडिएट करता है। और जैसे ही बारेन और यूएई इस अकॉर्ड को साइन करता है, वैसे ही जो नेगेटिव वर्ड्स या स्टेटमेंट्स यूज किए जाते थे यूएसए के द्वारा यूएई या बारेन के लिए, उन सभी नेगेटिव वर्ड्स को हटा दिया जाता है। और साथ में अगर आप बात करें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में, चाहे वो ओमान हो गया या कतर हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सभी लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर इनको बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं ये यूएसए को नाराज नहीं कर सकते हैं, और अगर ये यूएसए को नाराज नहीं कर सकते हैं तो इनको किसी भी हाल में इसराइल के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। इसी में क्या होता है कि साल 2021 के आसपास सूडान भी इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर लेता है, जिसके तुरंत बाद यूएसए 1.4 बिलियन का लोन सैंक्शन करता है। हालांकि ये 1.4 बिलियन का जो लोन है ये बहुत बड़ा लोन नहीं होता है, लेकिन अगर सामने वाला देश सूडान है तो उसके लिए काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। और उसके ठीक बाद जिस तरीके से यूएसए सूडान के लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज करता था, उन सभी नेगेटिव वर्ड्स को अपने स्टेटमेंट से ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूएसए अपने पावर का मिसयूज करता है और हर वो काम करता है जिससे कि उसे बेनिफिट पहुंचे। तो अगले बार जब भी हम ये सोचे कि यूएस भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, या इनफेक्ट इसराइल बढ़ा रहा, तो जितना बेनिफिट हमें होने वाला है उससे कई दुगना बेनिफिट इसराइल या यूएस को होने वाला है या होता है। और ये एग्जैक्टली हर वक्त ही होता है, चाहे सामने वाला देश यूएस रहे या रशिया रहे। और साथ में किसी टाइम पे इराक के बारे में जॉर्ज बुश के द्वारा बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स के इस्तेमाल किए गए थे, जहां पे ये बताया गया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसी चीज को बेस बना के इराक में इन्वेड किया जाता है, और जिसके बाद लाखों लाखों लोगों को मारा जाता है, इराक एज एन कंट्री को कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कुछ इसी तरीके का जो स्टेटमेंट है वो आज के डेट में ईरान के लिए यूज किया जा रहा, जहां पे नेतन्याहू स्पेसिफिकली कहते हैं कि वी आर फाइटिंग द मोस्ट रेडिकल एंड मर्डरस एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यहां पे वो सिर्फ इसराइल की बातें नहीं करते हैं बल्कि यूएस के भी बातें करते हैं। इससे क्या होता है कि सपोर्ट हासिल करने में काफी मदद पहुंचता है, जहां पे सामने वाला लीडर्स ये बताता है कि उनका जो एनिमी है वो सिर्फ उनका एनिमी नहीं है बल्कि वो आपका भी एनिमी है, और अगर उसको आप किसी भी तरीके से खत्म नहीं करेंगे तो वो किसी दिन आपको खत्म कर देगा। और जहां तक बात किया जाए 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था, इसके बारे में भी मल्टीपल ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं जहां पे ये बताया जा रहा कि हमास इसराइल पे अटैक करता है, इसके बारे में उनके इंटेलिजेंस को पहले ही मालूम पड़ गया था। और ठीक इसके पहले नेतन्याहू के खिलाफ मल्टीपल इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहे थे और इनके खिलाफ मल्टीपल कोर्ट में केसेस भी चल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये हमास के द्वारा अटैक किया जाता है वैसे ही एक मोमेंटम में शिफ्ट देखा जाता है और बढ़ चढ़कर नेतन्याहू ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसराइल वॉर में है और ये जरूरी है उनके लिए कि वो हमास को खत्म करें। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज को सुन के या पढ़ के तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ ना करें, बल्कि हम मल्टीपल आर्टिकल्स को रेफर करें और कुछ वक्त लगाएं अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करने में। और साथ में जब कोई भी लीडर्स अनपॉपुलर होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपना जो खोया हुआ मोमेंटम है उसको दोबारा से रीगेन करें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।